नेक्स्ट अनदर एग्जांपल बेस्ड ऑन एरे एंड पॉइंटर प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया था, एरे के एलिमेंट किसी भी पॉइंटर वेरिएबल में या सिमिलर टाइप के पॉइंटर में एड्रेस असाइन करके कंप्लीटली एक्सेस करना पॉसिबल इन सेम मैनर ऑफ लाइक एरे। जिस टाइप से एरे के एलिमेंट एरे नेम के थ्रू एक्सेस करना पॉसिबल, सिमिलर टाइप से पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस करना पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीवियस कन्वर्जन। इस केस में अगेन इसे एग्जाम्पल को डिस्कस करें जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस पर्पज। सबसे पहले अगेन मैंने एक एरे क्रिएट किया ए, इस एरे ए के इसमें टोटल इनिशियली एलिमेंट्स कितने असाइन हो रहे हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस एरे। इस एरे का टोटल साइज प्रोवाइड किया एज अ 5, टोटली एलिमेंट्स भी कितने क्रिएट करा हुए 5 एलिमेंट्स। क्लियर, पहले मैं इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद इन लोकेशंस के नेम्स प्रोवाइड करूँगा जिससे आपके लिए एग्जाम्पल ईजिली समझना पॉसिबल हो। क्लियर, अगर इस लोकेशन के फर्स्ट प्लेस का एड्रेस 100 है, देन नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है, 1024 106 एंड 108। इस कंप्लीट ब्लॉक का नेम क्या क्रिएट हो रहा है एज अ ए। फर्स्ट एलिमेंट में इनिशियलाइज हुआ है 10 20 30 40 एंड 50। अगर इसका एड्रेस 100 है, देन इसके रिस्पेक्ट में इसको नेम प्रोवाइड करेंगे एज अ स्टार 100, सिमिलरली *102 *104 *106 *108। इस एरे का नेम ए है, ए के अकॉर्डिंग इस लोकेशन के अदर नेम्स क्या होंगे, *0 *1 *2 *3 and *4। जहाँ भी मैंने ए ऑफ आई का फॉर्मेट राइट किया, ए के प्लेस पर रिप्लेस किया हुआ एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। नेक्स्ट डिक्लेरेशंस के अकॉर्डिंग जस्ट मैंने प्रोवाइड किया डिक्लेरेशन फॉर पॉइंटर वेरिएबल पी। इस केस में जैसे ही पॉइंटर वेरिएबल पी क्रिएट हुआ, पी के लिए टोटल कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, ओनली 2 बाइट्स, क्यों पी क्या है इस केस में पॉइंटर। देन पॉइंटर का एड्रेस मैं एज्यूम कर रहा हूं 94 और एनी एड्रेस। देन ए के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस विच इज 100। देन ये 100 कॉपी किस में जाए, इन साइड पॉइंटर वेरिएबल पी। देन पी इस लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट कर ले, पी किस लोकेशन को पॉइंट करेगा, ओनली फर्स्ट बिगिनिंग 2 बाइट्स, मीन्स फर्स्ट बिगिनिंग 2 बाइट्स। देन पी के रिस्पेक्ट में इसके नेम्स क्या हो जाएंगे। अगर बात करें ए ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस होता है 100, तो पी के प्लेस पर भी क्या रिप्लेस होगा ऑल्सो 100। जहाँ ए यूज किया ए के प्लेस पर क्या आएगा लाइक 100 0 100 1 100 2 लाइक दैट। अगर आप यूज करते पी जीरो तो पी के प्लेस पर ही क्या आएगा ऑल्सो 100 0 100 1। तो सिमिलर टाइप से इस प्लेस को नेम असाइन कर सकते हैं जब पी जीरो पी वन पी टू पी थ्री एंड पी फोर। रीजन, क्योंकि ए और पी दोनों की प्लेसेस पर रिप्लेस किया हुआ 100, तो इन दोनों के एग्जैक्टली मीनिंग क्या है लाइक दैट 100 ऑफ 0। इस केस में 100 क्या है एड्रेस और 0 क्या है इंडेक्स। सेम एज इन दोनों के इक्विवेलेंट मीनिंग क्या है 100 ऑफ 1, क्योंकि पी के प्लेस पर भी 100 रिप्लेस हो रहा है और ए के प्लेस पर भी 100 रिप्लेस हो रहा है। क्लियर, नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद सेकेंड मीन्स नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है पी ऑफ 0 = 1। तो पी ऑफ 0 में जब 1 असाइन करेंगे इंटरनली प्रोसेस कैसे हुआ, पी ऑफ 0 = 1, तो इसका जस्ट कन्वर्जन क्या है पॉइंटर्स के फॉर्म में स्टार पी प्लस 0 = 1। एंड पी के प्लेस पर क्या आएगा पी का वैल्यू क्या है 100, और 100 को 0 से ऐड कराओ देन रिजल्ट क्या आएगा अगेन 100 = 1। देन फाइनली इस केस में इसका मीनिंग क्या हुआ *100 = 1। फाइनली 1 उस प्लेस पर असाइन होगा जिस लोकेशन का नेम *100 है। क्लियर, *100 मीन्स बिगिनिंग 2 बाइट्स। नाउ 10 इज रिप्लेस्ड बाई 1। वन मोर थिंग, इस केस में असाइनमेंट किसके थ्रू कराया था बाई यूजिंग पी ऑफ 0, लेकिन अगर आप ए ऑफ 0 का भी वैल्यू डिस्प्ले कराओ तो इनडायरेक्टली ए ऑफ 0 का भी वैल्यू क्या हो चुका है ऑल्सो 1, क्योंकि दोनों ही नेम सेम लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। क्लियर, नेक्स्ट वन, सेम है इन नेक्स्ट केस। सेकेंड केस में डायरेक्टली पॉइंटर कन्वर्जन प्रोवाइड किया है, इस पॉइंटर कन्वर्जन की केस में पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस करा लोगे पी का वैल्यू, पी में क्या स्टोर है 100 का एड्रेस, 100 को 1 से ऐड कराएंगे या इंटीरियर टाइप का एड्रेस है, मीन से पी किस टाइप का पॉइंटर था इंटीरियर टाइप का, तो इंक्रीमेंट कितने से होगा साइज ऑफ इंटीरियर मीन 2। तो 100 को जब 1 से ऐड कराओ तो उसके इसमें एडिशन के बाद जस्ट रिजल्ट क्या आएगा 102, इसका मीनिंग क्या हुआ *102। फाइनली ये 2 उस प्लेस पर असाइन हुआ जिसका नेम *102 है, *102 मीन्स सेकेंड एलिमेंट ऑफ द एरे। नेक्स्ट टाइम सेकेंड एलिमेंट में कॉपी क्या हो चुका 2, असाइनमेंट किसमें कराया था पी प्लस 1 में,
और पी के थ्रू, लेकिन ए ऑफ वन का भी वैल्यू क्या हो चुका है ऑल्सो टू, क्योंकि दोनों ही नेम सेम लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। अगेन नेक्स्ट वन टू ऑफ पी प्लस टू इक्वल टू थ्री, नेक्स्ट वन इस नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या टू ऑफ पी प्लस जस्ट इस केस में मिस्टेक किया गया, ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, इसे दैट प्लीज पी ऑफ थ्री इस प्लेस पर जस्ट आप राइट डाउन कर सकते हो एज ओनली टू ऑफ पी, टाइपिंग मिस्टेक था, ओनली टू ऑफ पी, तो टू ऑफ पी में असाइन क्या हो रहा है एज अ थ्री, तो इसको अगेन जब रिजोल्व करो तो इसका कन्वर्जन क्या स्टार टू प्लस पी इक्वल्स टू थ्री, देन अगेन स्टार टू प्लस पी, पी के प्लेस पर क्या जाएगा सिंपली हंड्रेड इक्वल्स टू थ्री, हंड्रेड में टू से इंक्रीमेंट कराओ, इंक्रीमेंट कितने से होगा फोर से, तो रिजल्ट क्या आएगा स्टार वन जीरो फोर इक्वल्स टू थ्री, थ्री उस लोकेशन में आसान हुआ इसका नेम स्टार वन जीरो फोर, स्टार वन जीरो फोर का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या था थर्टी, न्यू वैल्यू क्या जाएगा इसके सिंपली थ्री, सेम एज इन नेक्स्ट केस स्टार पी प्लस थ्री इक्वल्स टू फोर, स्टार पी प्लस थ्री के केस में पी के प्लेस पर क्या आएगा हंड्रेड और हंड्रेड में थ्री से एडिशन कराओ देन क्या आएगा वन जीरो सिक्स, तो फाइनली वैल्यू आसानी के समय स्टार वन जीरो सिक्स लोकेशन में, तो नेक्स्ट एलिमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा फोर, नेक्स्ट वन सिमिलरली ए ऑफ फोर, ए ऑफ फोर कौन सा एलिमेंट है लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट में क्या आसान हो जाएगा वैल्यू एज फाइव, तो नेक्स्ट टाइम फाइनली इस केस में फर्स्ट प्रिंट एप के थ्रू डिस्प्ले कराया है एरे के कंप्लीट एलिमेंट, इस एरे में एलिमेंट्स क्या फाउंड हो रहा है वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो फर्स्ट प्रिंट एप के थ्रू रिजल्ट क्या डिस्प्ले हुआ वन टू थ्री फोर फाइव, सेम है नेक्स्ट प्रिंट एप, नेक्स्ट प्रिंट एप के केस में बात करें तो अगेन क्या डिस्प्ले हुआ पी जीरो, पी जीरो मीन्स हंड्रेड ऑफ जीरो, क्योंकि पी में क्या स्टोर है करेंटली हंड्रेड, इसका मीनिंग क्या हंड्रेड ऑफ जीरो मीन्स सेम प्लेस, और हंड्रेड ऑफ जीरो में क्या स्टोर है वन, तो फाइनली अगेन क्या आएगा वन, P ऑफ वन, P के प्लेस पर क्या जाएगा अगेन हंड्रेड, हंड्रेड ऑफ वन में क्या स्टोर है टू, हंड्रेड ऑफ वन मीन्स अगेन सेम प्लेस, क्या आएगा इस केस में टू, स्टार P प्लस टू, P के प्लेस पर क्या आएगा हंड्रेड, हंड्रेड प्लस टू एडिशन क्या आएगा इसका वन जीरो फोर, स्टार वन जीरो फोर में क्या स्टोर है अगेन थ्री, तो नेक्स्ट टाइम क्या डिस्प्ले है थ्री, सेम है थ्री ऑफ P, थ्री ऑफ P को जब पॉइंटर में कन्वर्ट कराएं क्या आएगा स्टार थ्री प्लस पी, पी में क्या स्टोर है हंड्रेड, एडिशन क्या आएगा वन जीरो सिक्स, देन वैल्यू किसका डिस्प्ले हुआ स्टार वन जीरो सिक्स, स्टार वन जीरो सिक्स में फोर स्टोर है, देन सेम एज फोर ऑफ पी में क्या है ऑल्सो फाइव, तो दोनों केस में रिजल्ट कैसे डिस्प्ले हो रहा है एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स।